सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अभिटेक। मैं हूं आपके दोस्त अभी, और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं Xiaomi के 14 सीरीज और IQ के 12 सीरीज का कंपैरिजन। और गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन दोनों स्मार्टफोन के फीचर्स और प्राइस के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं यूट्यूब पर अपनी वीडियो को अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इन स्मार्टफोन के सीरीज के फीचर जॉइन के इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लग सके। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज है धनतेरस का त्यौहार, और मेरी तरफ से आप सभी को धनतेरस के त्यौहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बात करें IQ के 12 सीरीज और Xiaomi के 14 सीरीज के बारे में। Xiaomi के 14 सीरीज में आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं, Xiaomi का 14, 14 Pro और 14 Ultra। और उसी के कंपैरिजन में IQ के 12 सीरीज में आपको IQ का 12 भी देखने को मिलेगा। और बात करते हैं इन दोनों के डिजाइन और लुक की। बात करें इन दोनों के डिजाइन और लुक की, तो आपको Xiaomi के 14 सीरीज में 4 टाइप के कलर देखने को मिलने वाले हैं। इसमें जेड ग्रीन कलर होगा, ब्लैक होगा, व्हाइट होगा, और आपको स्नो कलर देखने को मिलने वाला है। उसी के कंपैरिजन में IQ के 12 सीरीज में आपको 3 टाइप के कलर देखने को मिलने वाले हैं, ब्लैक, रेड और व्हाइट। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि OnePlus ने अपना 11R लॉन्च किया था रेड कलर में, वैसा ही IQ का लॉन्च होने वाला है इस बार रेड कलर में, जिसकी लुक आपको काफी ज्यादा फैंटास्टिक देखने को मिलने वाली है और नेक्स्ट लेवल होगी। डिजाइन की बात करें तो आपको दोनों स्मार्टफोन्स में बैक और फ्रंट में प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिलने वाली है। गाइस, बात करें फीचर के बारे में, तो आपको दोनों की डिस्प्ले साइज 6.7 इंच की देखने को मिलेगी, लेकिन इसका जो डिस्प्ले टाइप है वो आपको Xiaomi के 14 सीरीज में WQHD+AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और उसी के कंपैरिजन में IQ के 12 सीरीज में आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। दोनों ही आपको 5V डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। और गाइस, बात करें इन दोनों स्मार्टफोन के सैंपल रेट की, तो आपको Xiaomi के 14 सीरीज में 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है, उसके कंपैरिजन में IQ के 12 सीरीज में आपको 144Hz की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, जिसमें आपको इस कंपैरिजन में आपको IQ के 12 सीरीज में रिफ्रेश रेट ज़्यादा देखने को मिलेगा Xiaomi के 14 सीरीज से। तो गाइस, जब बात करते हैं ब्राइटनेस के बारे में, ब्राइटनेस की बात की जाए तो IQ के 12 सीरीज और Xiaomi के 14 सीरीज में दोनों के अंदर आपको 3000 nits की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, लेकिन Xiaomi के 14 सीरीज के अंदर आपको 3000 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, जो कि Dolby Vision HDR के साथ आएगा। और गाइस, दोनों के अंदर जो आपको इंडोर और आउटडोर में ब्राइटनेस के मामले में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। अब बात करते हैं OS यानी कि UI के बारे में। UI सिस्टम की बात की जाए तो Xiaomi के 14 सीरीज के अंदर आपको इस बार हाइपर OS देखने को मिलने वाला है। Xiaomi लॉन्च करे अपना एक नया OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, और IQ की बात की जाए तो इसमें आपको ओरिजिन OS देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोनों की परफॉर्मेंस लेवल के बारे में। दोनों के अंदर आपको Snapdragon का 8 Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और जैसे कि आप सभी को पता है कि Snapdragon ने हाल ही में अपना एक नया फ्लैगशिप प्रोसेसर लॉन्च किया था, Snapdragon का 8 Gen 3, और ये 4 nanometer पर डिजाइन है। इसका आर्किटेक्चर आपको 64-bit का देखने को मिलेगा, और गाइज, ये फ्लैगशिप प्रोसेसर आपको दोनों स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। और गाइज, अब बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के रैम और इंटरनल स्टोरेज के बारे में। अगर आप परचेज करते हैं Xiaomi का 14 सीरीज, तो इसमें आपको 8GB का रैम देखने को मिलेगा, जो कि LPDDR4X पर है, और उसके कंपैरिजन में IQ के 12 सीरीज के अंदर आपको 12GB का रैम देखने को मिलेगा, जो कि LPDDR5X है। और गाइस, यहां पर आपको थोड़ा सा एडवांटेज देखने को मिल जाएगा IQ 12 सीरीज के अंदर, क्योंकि इसमें आपको LPDDR5X काफ़ी ज़्यादा एडवांस जनरेशन में देखने को मिल जाएगा। और गाइस, दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको इंटरनल स्टोरेज 256GB की देखने को मिलेगी। और अब बात करते हैं, अगर आप Xiaomi का 14 Pro परचेज करते हैं, तो इसमें आपको 8GB का रैम प्लस 8GB एक्सपेंडेबल देखने को मिलेगा, जिसमें आपको जो रैम है वो 16GB तक हो जाएगा, और इसमें जो आपको इंटरनल स्टोरेज है वो 512GB की देखने को मिलने वाली है। इन दोनों सीरीज के अंदर आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज देखने को नहीं मिलने वाली है। सो गाइस, जब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सीरीज के बैटरी कैपेसिटी और बैटरी चार्जर के बारे में। दोनों सीरीज के अंदर आपको 4880mAh की बैटरी कैपेसिटी और 120W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें सेम देखने को मिलती है दोनों सीरीज में।
अब बात करते हैं दोनों सीरीज के कैमरा मॉड्यूल के बारे में। कैमरा मॉड्यूल की बात की जाए तो आपको चाउमी के 14 सीरीज में स्क्वायर साइड बैक साइड पर लेंस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको लिक्का का लेंस देखने को मिलने वाला है। और कैमरा फीचर की बात करें तो आपको 50 मेगापिक्सल का लिक्का का लेंस देखने को मिलेगा पहला, दूसरा आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा, और तीसरा आपको 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलने वाला है। उसी के कंपैरिजन में आईक्यू की टेले सीरीज में आपको बैक साइड पर रेडियल और क्यूर दोनों टाइप का लेंस देखने को मिलने वाला है। इसका क्या नेम देना चाहिए वो आप मुझे कमेंट में बताइए ना, हम फिर उस हिसाब से आपको नेम बता देंगे। सो गाइस, जब बात करते हैं आईक्यू की 12 सीरीज के कैमरा फीचर के बारे में, बैक साइड पर आपको तीन कैमरा देखने को मिलेंगे, साथ में 1 LED फ्लैश है, जिसमें आपको पहला लेंस जो है वो आपको 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा, दूसरा आपको इसमें 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा, और तीसरा आपको इसमें 64 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस देखने को मिलने वाला है। और गाइज, जिससे आपकी जो वीडियो और फोटो क्वालिटी है वो आईक्यू की 12 सीरीज और Xiaomi में काफी ज्यादा बेटर देखने को मिलने वाली है, लेकिन लिका का लेंस जो है वो काफी ज्यादा बेस्ट होता है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि लिका के लेंस जो है वो कैमरा में भी यूज किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आईक्यू के जो लेंस है उसके बारे में कोई डेफिनेशन ज्यादा दी नहीं गई है, तो इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। और गाइज, फ्रंट लेंस की बात की जाए यानी कि फ्रंट सेल्फी कैमरा के बारे में, तो आईक्यू की 12 सीरीज के अंदर आपको 60 मेगापिक्सल का लेंस देखने को मिलने वाला है, और उसके कंपैरिजन में Xiaomi के 14 सीरीज के अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। यहाँ पर Xiaomi की 14 सीरीज आपको ज्यादा देखने को मिलेगी आईक्यू की 12 सीरीज के सेल्फी कैमरा से। और गाइज, अब बात करते हैं दोनों सीरीज के प्राइस के बारे में। प्राइस की बात की जाए तो आईक्यू के 12 सीरीज जो है वो आपको 62,000 रुपए का देखने को मिलने वाला है, और Xiaomi के 14 सीरीज की बात करें तो इसका प्राइस आपको 45,000 रुपए का Xiaomi का 14 देखने को मिल सकता है, और इसके जो प्रो है अल्ट्रा है उसके प्राइस नहीं बता सकते अभी हम। तो गाइज, आपको इन दोनों सीरीज के कौन सी सीरीज सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इन सीरीज के बारे में नॉलेज मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं यूट्यूब पर अपनी वीडियो को अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।